हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हरबीर सिंह और आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, केवीएस, सीटेट, डीएसएसबी या आप कहें किसी भी टीचिंग पोस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज वो हम करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन है, यहाँ पे साइकोलॉजी के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दोस्तों ये बार बार पूछा जाता है कि जो गर्भ में बालक होता है वो कितने दिन में विकसित हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 280 दिन। लगभग 280 दिन में बच्चा गर्भ में विकसित हो जाता है। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि संज्ञानात्मक विकास को कहां पे सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। और इसके साथ में दोस्तों ऑप्शन होते हैं, एक तो हो गया जैसे कक्षा, विद्यालय, ये हो गया, एक घर हो गया, एक खेल का मैदान हो गया। तो दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बच्चे सोचते हैं कि खेल का मैदान इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन वो गलत होता है। इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास को विद्यालय और कक्षा में सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ये आप ध्यान रखें क्योंकि अभी बहुत सारे टीचिंग पोस्ट के एग्जाम आने वाले हैं तो, और सीटेट के भी एग्जाम हैं, तो दोस्तों ये ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों और भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व बाल्य अवस्था है जो, इसे खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो आप ध्यान रखें अगर क्वेश्चन आता है तो खिलौनों की जो अवस्था है वो कौन सी है, आयु है कौन सी है, पूर्व बाल्य अवस्था। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर धैर्य और दृढ़ता अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी मानी जाती है। तो दोस्तों इसमें धैर्य और दृढ़ता, हालांकि ऑप्शन ऐसे आएंगे आपको बिल्कुल कंफ्यूज कर देंगे। ऑप्शन आ सकता है कि जैसे विषय में प्रवीणता, पढ़ाने का अच्छा तरीका, ऐसे आ जाएंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों वो क्या है, धैर्य और दृढ़ता। प्राथमिक स्तर पे अगर कोई टीचर है तो धैर्य और दृढ़ता उसकी सबसे अच्छी विशेषता मानी जाती है। किशोर अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा किशोर अवस्था। जो किशोर अवस्था है, अधिक दबाव व तनाव का काल कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन अलग तरीके से आ सकता है कि किस अवस्था को अधिक दबाव व तनाव का काल कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा किशोर अवस्था। इसके बाद क्वेश्चन है कि जो शैशवावस्था है दोस्तों, इसमें बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। जो शैशवावस्था में शिशु होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, इसमें दोस्तों जो बालक में प्रेम की भावना होती है वो उसकी काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है, ऐसा कौन से साइकोलॉजिस्ट मानते हैं। तो दोस्तों सिगमंड फ्रायड है वो ऐसा मानते हैं। और जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे काम प्रवृत्ति या ये सब चीजें, ये फ्रायड के ही मिलेंगे, तो आप ये याद रखना। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और है कि जो वैलेंटाइन है उन्होंने क्या माना है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। या क्वेश्चन आ सकता है कि किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। तो दोस्तों ये क्या होगा, वैलेंटाइन डे। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है, मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं भी कुछ हूं, ये भावना दोस्तों किस अवस्था में आती है। अब आपको पता होगा, ये आपने पढ़ा होगा कि किशोर अवस्था में ये सब चीजें होती हैं, तो किशोर अवस्था इसका करेक्ट आंसर होगा। कि जो नवजात शिशु है उसका भार कितना होता है। तो दोस्तों जो एक नवजात शिशु होता है उसका भार लगभग 8 पाउंड होता है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो इंग्लिश क्लास के लिए, जीके क्लास के लिए मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों गुड बाय, टेक केयर।